मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक पुलिस चलाएगी जन जागरूकता अभियान, जिसको लेकर आज रीवा के कॉलेज चौराहे से बच्चों के साथ एक रैली का आगाज किया गया। इस रैली में शिरकत करने पहुंचे पुलिस कप्तान नवनीत बसीन, उनका साफ तौर से कहना था, हम चाहते हैं बच्चे जागरूक हों, अपने पेरेंट्स को बताएं, जिससे ट्रैफिक के नियमों का पालन किया जा सके। 11 जनवरी से 17 जनवरी तक पुलिस चलाएगी सड़क सुरक्षा सप्ताह, जिसको लेकर आज रीवा के कॉलेज चौराहे से एक रैली बच्चों के साथ निकाली गई। ज्यादा से ज्यादा आम आदमी इस अभियान से जुड़े, इसको लेकर बच्चों के बीच जागरूकता का पहला दिन चलाया गया एक विशेष अभियान। रीवा पुलिस कप्तान नवनीत भसीन चाहते हैं सड़क दुर्घटनाएं कम से कम हो, आम आदमी ट्रैफिक के नियमों को समझे, जिसकी वजह से जाम जैसी स्थिति निर्मित ना हो। अगर कभी ऐसी स्थिति निर्मित हो तो उसे आसानी से कैसे निपटा जाए, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए सभी को। बच्चों को अगर जागरूकता से जोड़ा गया तो ये अपने घर में अपने बड़ों को इस बात से जागरूक करेंगे, जिसको लेकर निश्चित रूप से अवेयरनेस आएगी। रीवा पुलिस ने आज सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य को लेकर पुलिस के द्वारा जागरूकता सप्ताह का आगाज किया। बुधवार की सुबह सवेरे पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर शहर के भ्रमण के लिए रवाना किया। रैली में स्कूली बच्चे काफी तादाद में शामिल थे। बच्चों को शामिल करने के पीछे पुलिस का उद्देश्य घर में अपने माता पिता भाई बहनों को जागरूक करने के लिए बच्चों का अहम योगदान रहता है। बच्चों के माध्यम से पुलिस यातायात व्यवस्था के साथ सड़क दुर्घटनाओं को रोकने का प्रयास करती है। इस रैली के आयोजन को लेकर कॉलेज चौराहे में एक कार्यक्रम का आगाज किया गया। उसके बाद पुलिस कप्तान रीवा नवनीत भसीन ने हरी झंडी दिखाकर रैली को आगे के लिए रवाना किया। हमारी टीम ने आयोजित जागरूकता रैली को लेकर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन से बात की। उनका साफ तौर से कहना था, हम चाहते हैं जन जागरूकता ट्रैफिक के नियमों को लेकर फैले, जिससे समय समय पर जो भी जाम की स्थिति निर्मित होती है या ट्रैफिक को लेकर किसी भी तरीके की समस्या होती है, अगर आम आदमी उस बात से जानकारी में रहेगा तो निश्चित रूप से हम आसानी से ट्रैफिक को कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि आम आदमी को स्वयं मालूम है कि हमें इस तरीके की समस्याओं से किस तरीके से निपटना है। हम चाहते हैं बच्चों के बीच में जन जागरूकता फैलाई जाए, बच्चे अपने घर जाएंगे, अपने से बड़ों को इसके बारे में बताएंगे, ट्रैफिक के नियमों को आपको पालन करना चाहिए, अपने साइड से चलना चाहिए, हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ट्रैफिक के नियमों को पालन करेंगे तो कभी भी जाम जैसी स्थिति निर्मित होगी ही नहीं। रीवा के कॉलेज चौराहे से इसी के चलते एक बच्चों के साथ रैली निकाली गई, जो शहर के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करती हुई वापस पहुंची। हमने पुलिस कप्तान नवनीत भसीन से बात की, सुनिए उनका क्या कुछ कहना है। जागरूकता रैली निकाली जा रही है सड़क सुरक्षा के लिए, क्या उद्देश्य है और कब से कब तक पूरा कार्यक्रम चल रहा है? जिले में एक्सीडेंट से होने वाली डेथ को कम करने के लिए और शहर में एक ट्रैफिक अवेयरनेस, ट्रैफिक सेंस को डेवलप करने के लिए आम जन का सहयोग किस तरह लिया जाए, इसमें हमारे प्रयासों के तहत एक कड़ी है, जिसमें 11 से लेकर 17 तक जो ये विशेष अभियान चलाया जाएगा, इसमें अधिकतम पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ में हम विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके आम जन को बार बार इस बात का एहसास दिलाएंगे कि आपका घर में कोई, इसमें जो बच्चे हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे, तो शुरुआत हमने बच्चों से आज की है, इनका बहुत महत्वपूर्ण रोल रहेगा, तो ये हमारे एम्बेसडर्स हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हैं काफी संख्या में लोग आए हैं, इसी को लेकर कार्यक्रम आज प्रारंभ किया गया। ताजा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।